हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मालदीव्स के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। रिसेंटली आई आल्सो वेंट टू मालदीव्स फ्रॉम जून 15 टू जून 22, 2019। तो मैं भी सर्च कर रहा था इंटरनेट पे क्या क्या चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। देर वॉज सम लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, सो आई वॉज देयर। मैं इमिग्रेशन मैंने क्लियर किया, मालदीव्स गया, घूमा फिरा। सो आई विल गिव यू क्लियर कट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या नहीं रहा, व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। सो इन केस आप सर्च करते हैं ऑन इंटरनेट, यू विल फाइंड फर्स्ट सर्च ऑन गूगल इज़ फ्रॉम स्काई स्कैनर। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स गिवन ऑन इट इज़ करेक्ट, मतलब जो भी उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स इन लोगों ने लिखे हैं कि ये आपको चाहिए होगा, उसमें सब मैक्सिमम चीज़ें सही हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स। सो यहाँ पे अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे, वो बोलता है कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसका एक्सपायरी एटलीस्ट 6 मंथ्स तक नहीं होना चाहिए। तो इस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस डेट से, ज़्यादा भी हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट यू आर ट्रैवलिंग। उसके बाद इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म IM-23, दैट इज़ मालदीव्स का जो इमिग्रेशन अराइवल कार्ड है उसकी बात कर रहा है। ये आपको वहीं पे मालदीव्स में जैसे ही आप अराइव होंगे, इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले आपको एक इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि पिक्चर मैं आपको अभी अटैच करके दिखा देता हूँ उसकी। सो मालदीव्स का जो इमिग्रेशन अराइवल कार्ड होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या भरना है, नहीं भरना है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सो सबसे पहला चीज़ आपको अपना नाम इसमें लिखना है जैसा कि आपका पासपोर्ट में है, नेशनैलिटी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपना सेक्स लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट लिखना है, लेंथ ऑफ डेज आपको लिखनी है, आप कितने दिन मालदीव्स में रहने वाले हैं, अपना फ़्लाइट नंबर आपको लिखना है, एड्रेस इन मालदीव्स होटल गेस्ट हाउस जहाँ पर आप रहने वाले हैं मालदीव्स में, ये लिखना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आपका शिप्स नेम आता है, शिप्स नेम इन केस आप शिप वगैरह से आए हैं, और लास्ट में इसमें एक पर्पज़ ऑफ विज़िट, हम लोग के ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट टूरिस्ट वीज़ा है तो हॉलीडे होगा। इसके बाद आपको अपना एक साइन करना है, और उसके बाद आता है एक हेल्थ इन्फॉर्मेशन कि आपने कौन कौन सी कंट्री लास्ट 14 दिन में विजिट करी है, और येलो फीवर वैक्सीनेशन आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इन केस आप साउथ अमेरिकन या अफ्रीकन कंट्री में लास्ट 14-15 दिन में गए हो तो उसके लिए तो वैसे ही रिक्वायर्ड होती है, तो तब आपको चाहिए होगा, नहीं तो अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपने कोई कंट्री विजिट नहीं करी है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद मालदीव कस्टम सर्विस को भरना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक बार वो लिस्ट दिखा देता हूँ जो कि प्रोहिबिटेड है मालदीव्स में ले जाने से। तो ये 12 पॉइंट्स में इन लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें वाइल गोइंग टू मालदीव्स। तो इनका थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट स्पॉन्सरशिप, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप एज एन इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपना बस पासपोर्ट लेके चलिए। चौथा पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस, इसका भी ऐसा ही है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक एंड अदरवाइज ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होना आपका कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे एट द काउंटर कि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। एंड एयर, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है एन एयर टिकट टू फ्लाई आउट ऑफ मालदीव्स, आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए, ये बहुत 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 ज़रूरी है। आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए तभी वो आपको इशू करेंगे आपका मालदीव्स का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो बोलता है कि एडिक्वेट मनी टू कवर द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन मालदीव्स, ये बोलते हैं कि आपके पास 100 USD होने चाहिए प्लस 50 हर दिन के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आप 4 दिन के लिए रहते हैं तो 50 × 4 = 200 प्लस $100, $300 आपके पास होने चाहिए अगर आप 4 दिन के लिए रहने का प्लान वहाँ बना रहे हैं। तो एक्चुअली आप $500 से $600 आपने साथ लेके चलिए। ये भी चीज़ मुझसे, एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझसे किसी ने भी काउंटर पे ये नहीं पूछा था मालदीव्स में कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं नहीं है, बट उन्होंने ये चीज़ मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में ज़रूर पूछी गई थी कि आपके पास कितने डॉलर हैं।
इसके बाद आता है 7th पॉइंट, कंफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन इन होटल और टूरिस्ट रिजॉर्ट। इसके बारे में इन्होंने मुझसे लिखने के लिए पूछा था कि आप कौन से रिजॉर्ट में रुक रहे हैं, प्लीज़ आप अपने इमिग्रेशन फॉर्म में लिख दीजिए। एक फॉर्म में मुझसे वो चीज़ छूट गई थी तो मैंने वापस लिखा था। इसके बाद जो लास्ट चीज़ लिखी है इसमें, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट विद वाइट बैकग्राउंड, ये भी आपको नहीं चाहिए। आप सर्च करेंगे तो आपको इवन साइज़ भी मिल जाएगा, 35x30 का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एक्चुअली कोई आपसे कोई फ़ोटोग्राफ के लिए नहीं पूछेगा, नाइदर एट जहाँ भी आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपको मालदीव्स में भी कोई पूछने नहीं वाला अबाउट योर फ़ोटोग्राफ, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और ना ही आपको ये किसी फॉर्म में चिपकानी है, ना ही मालदीव्स के इमिग्रेशन अराइवल कार्ड में कोई जगह है फ़ोटो चिपकाने की, सो फाइनल थिंग इज़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास हो मिल जाती हैं, हो जाती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया है, तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो है 90 डेज़ का जो है आपको टूरिस्ट वीज़ा इशू होता है, उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे इशू हुई थी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज़ परमिटेड टू स्टे फॉर 90 डेज़, क्लियरली लिखा हुआ है 90 डेज़ के लिए इशू होता है टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस। ये मेरा भरा हुआ इमिग्रेशन कार्ड है, एक और बार देख सकते हैं आप लोग। ये पॉइंट नंबर 7 में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, आउट ऑफ 7 डेज़ जो मैं रुका था मालदीव्स में, मैंने उसमें से सिर्फ 5 दिन का मैंने स्टे का करवाया था, बाकी 2 दिन का मैंने वहीं जाके देखा। तो आप भी ये चीज़ करवा सकते हैं, आप इवन 1 दिन का करवा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि बाकी मैंने बुक करने की सोची है, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं देख लूँगा मुझे कौन सी जगह पर रुकना है। ये चीज़ मैंने बाद में करवाई थी, ये एक और पॉइंट जो रह गया था ये बताना था। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि रह जाता है वो ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो इन केस आपका होटल वाला नहीं आया है आपको पिकअप करना है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है और आपको किसी को भी कांटेक्ट करना है मालदीव्स में, बी इट अ रिजॉर्ट बी इट अ पर्सन, और आपके पास सिम नहीं है, नंबर नहीं है, आपका फ़ोन नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन काउंटर है, इस पर आप जाके आप उनके नंबर दे सकते हैं, दे विल गिव यू अ फ़ोन जो कि भारी पड़ रहता है, आप उससे डायल कर सकते हैं किसी का नंबर, आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ यहाँ पे हूँ, आप प्लीज़ आ जाइए, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। मोस्टली आपको पीपल भी यहीं पर रिसीव करेंगे, अगर आप बताएंगे मैं इन्फॉर्मेशन काउंटर के सामने बैठा हूँ, तो आपको रिसीव करने यहाँ पर लोग आ जाएंगे। बाकी अगर आपको नंबर नहीं भी पता होगा, ये सर्च करके भी दे देते हैं कई बार आपको इंटरनेट से उस पर्टिकुलर होटल का। आप एयरपोर्ट के बाहर से सिम भी परचेस कर सकते हैं, ये सिम मैंने ख़रीदा था फॉर $20, जिसमें कि 17 GB डेटा फ्री था, प्लस 75 मिनट्स ऑफ लोकल कॉल एंड सम SMS वगैरह फ्री थे। इनके प्लान $10 से स्टार्ट होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है ये, आपको किसी को भी कांटेक्ट करना है निकल के तो सिम काफ़ी सही है वहाँ पे, लोकल सिम आपको काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है, बस आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है एंड दे विल प्रोवाइड यू दिस। सो हेयर आर सम ऑफ माई पिक्चर्स जो कि मैंने अपने ट्रिप के दौरान ली थी। बाकी आई होप कि आपकी जो भी क्वेरी रिगार्डिंग द वीज़ा, जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सब कुछ बताया है। वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू इज़ दैट कि आपका जो वीज़ा है उसकी कोई फीस नहीं लगती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आपको फ्री में ऑन अराइवल इशू करा जाएगा वीज़ा, देर इज़ नो फीस रिक्वायर्ड फॉर दैट। बाकी मैंने अपनी जो ट्रिप है वो भी खुद से ही प्लान करी थी एंड आई सेव्ड लॉट ऑफ मनी इन दैट, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने क्या क्या अपनाई थी ये भी मैं आपको बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। सो आप देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।